Really? Mm. Thanks. Sweet sister. चाय की तलब हो रही है. आदत कुछ ज्यादा नहीं हो रही है, हेल्थ के लिए हानिकारक है. प्यारे बच्चों, जाके दीदी की हेल्प करो चाय बनाने में. ओके भैया, चलो पढ़ाई से छुट्टी मिली. बहुत नाटक कर लिया, पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ. मसाज करो ना. भूल जाओ. तो ठीक है, पापा को आई लव यू वाली बात बताता हूँ. अंकल, चुप. ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है. लगे हाथ कमर भी दबा दो. अब एक गाना भी हो जाता तो कितना अच्छा होता. उसे मत देखना. ए, नीचे उतरी ना तो पिटाई कर दूंगा. ये क्या नोटबुक्स में तुमने ड्राइंग्स भर के रखी हुई हैं? ओह, तो मेरी मिसिंग फोटोज यहाँ हैं. वो पुलिस वाला बुद्धू है. आई लव यू. शैतान की बच्ची, वहां पापा के नाम की धमकी, यहाँ आई लव यू वाली चिट्ठी. पापा को कंप्लेन करना अलग मैटर है, लव कन्फेस करना अलग. नॉटी कहीं की. तुम डबल नॉटी हो. मेरी पर्सनालिटी और बातों पे फिसल गई ना, है ना? तो फिर फर्स्ट टाइम जब तुम्हारी फोटो देखी. तो फिर इतना टॉर्चर किस लिए? फॉर फन. लुक्स में तो तुम पास हो गए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तो चाहिए था ना. वेट कराने के लिए सॉरी बोल. यहाँ ऐसे ही सॉरी बोलते हैं क्या? नॉक करना चाहिए था ना, आप ही ने तो कहा था जैसा कहे वैसा करो. प्यार का उठता धुआं पूरी दुनिया ने देखा और हमें खांसी तक नहीं आई. जानू. जानू. कुछ बोलो तो सही. हे, बात करने को कहा था. उसके लिए तो उम्र पड़ी है, मुझे तो कुछ चाहिए. नहीं दूंगी. ऐसी बात है? देख मैं क्या करता हूँ. मैं पुलिस को बुला दूंगी. पुलिस का बाप भी मुझसे नहीं पहुंचा सकता तुझे. थीरू, तुमने प्रॉमिस किया ना कि तुम कभी नहीं बदलोगे. और मुझे कभी नहीं डांटोगे. और ना ही झगड़ा करोगे. नहीं करूंगा. एक बात बताओ, तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूँ या माँ? तुम औरतों के पास और कोई सवाल नहीं होता है क्या? धीरू, एक बात कहूँ? कहो. I love you. I love you too. तुमसे भी ज्यादा. अच्छा. धीरू, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगे ना? हमेशा. तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट में 30 नए डीएसपी ने आज से ड्यूटी ज्वाइन की है. टूटीकॉरन तीरपुर में डीएसपी थीरू ने चार्ज संभाला है. उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है सर. उसे छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं. प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए. का बच्चा, इतने समझाने के बाद भी मेरे आदमी पर हाथ उठाया. वो एक एमएलए की नहीं सुनेगा.
ए, तू मेरे बारे में जानता नहीं है क्या? बहुत अच्छा, ऐसे ही एमएलए के सामने सर झुका के रहना चाहिए। इतनी इज्जत काफी है? एमएलए का हाथ उछालना जरूरी था क्या? अरे तुम शादी के बाद घूमना चाहती थी ना? अखबार में फोटो छपवाकर सुपर कॉप बनना चाहते हो? ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता सर, एनकाउंटर करने के लिए लेम एक्सक्यूजेस देता है। सर, पिछले हफ्ते एक लड़की ने ऑफिस से घर जाने के लिए ऑटो पकड़ा। ड्राइवर और उसके दो दोस्तों ने उसका मुंह बांधा और सरिये से उसका हाथ तोड़ा। उसे झाड़ियों के पीछे ले जाके उसका रेप कर दिया। उसके बाद जख्मी हालत में उसे 10 किलोमीटर दूर ले गए और फिर से उसका रेप किया। ये सिलसिला 3 दिनों तक चला। एक टूटी बोतल से उसका गला काटने वाले थे। उसे कहा घर में अकेली कमाने वाली हूँ, हाथ तोड़ चुके हो, जो चाहिए था वो कर लिया, एटलीस्ट अब मुझे जीने दो। उनके सामने वो खूब गिड़गिड़ाई, फिर भी उसका गला काट दिया। और वो 3 कुत्ते किसी तरह मैंने उन्हें ढूंढ निकाला। अब बताइए क्या करना चाहिए था उनके साथ? तुमने क्या किया? दरवाजा खोलिए, हाईवे पे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, बच्चे के सर से खून बह रहा है सर, प्लीज दरवाजा खोलिए, एम्बुलेंस को बुलाइए और हमारी मदद कीजिए सर। दरवाजा तोड़ दे। कौन हो तुम लोग? वल्लूर डिस्ट्रिक्ट के चोलावरम में नेशनल हाईवे के पास कल रात को एक सुनसान इलाके में एक घर में डकैती पड़ी। एक ही परिवार के 5 मेंबर्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी के सिर पे वार किया गया तो किसी के सीने में गोली मार दी गई। गुमुटी बुंडी में भी ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसका कोई सुराग नहीं मिला। जनता में बुरी तरह से दहशत फैली हुई है। उन लोगों को पुलिस कब पकड़ेगी? रिश्तेदार पड़ोसी सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे हैं सर। कॉलोनी के सभी लोग बारी बारी से टोली बना के पहरा देते हैं, घर से निकलने में भी डर लगता है। पुलिस कोई परवाह नहीं कर रही है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले चोलावरम के इंस्पेक्टर सत्या ने भरोसा जताया है कि मुजरिम जल्दी ही पकड़े जाएंगे। प्रिया, इंस्पेक्टर सत्य, नमस्ते। नमस्ते। ये घर की चाबी है। थैंक यू। ये सारे खेत इंस्पेक्टर की पुश्तैनी जमीन है। वो जो घर दिख रहा है वहीं रहते हैं। यहाँ पर कितना सुकून है और घर भी बहुत अच्छा है। मुझसे भी अच्छा? हाँ बिल्कुल ठीक। तो? थोड़ा और ऊपर। ये यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है? कैसा है दामाद का घर? मेरे पेरेंट्स। नमस्ते। कॉफी। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत ही सुंदर घर है। थैंक्स। डीएसपी ऑफिस के ऊपर वाले घर में और ऑफिसर्स रह रहे हैं, इसलिए इसे फाइनल किया। इसी बात के लिए तो थैंक्स कहा है, वो घर तो इनके लिए ऑफिस ही बन गया था। हे, मुंह क्यों लटका रखा है? डॉल दिलाने का प्रॉमिस पूरा नहीं किया। सिर्फ इतनी सी बात? रुको, ये लिटिल लायन तुम हो और ये शेर मैं हूँ, एक गेम खेले? अब चलते हैं, फॉर्मेलिटी मत करना, कुछ चाहिए होगा तो कॉल कर लेना, ठीक है प्रिया? ठीक है, इजाजत दीजिए। सत्या, कल सारे ऑफिसर्स को कॉल कर लेना। ओके सर। सुना है नए डीएसपी आए? एकदम सही सुना है, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। लोकल लीडर और तहसीलदार से मिलना चाहूंगा, मीटिंग अरेंज करो। पेंडिंग केसेस की फाइल्स मेरे टेबल पर रखो। 100 पेंडिंग केसेस में से ज्यादातर कॉमन क्राइम्स थे सिवाय एक के, उसमें छुपे खतरे को उस वक्त मैं भी नहीं भाग पाया। इतना हीनिस क्राइम अब तक पेंडिंग क्यों है? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हमने इन्वेस्टिगेट किया, फिंगरप्रिंट्स के अलावा और कोई सबूत नहीं है। नया गैंग था या पुराना या फिर कोई अकेला इंसान, अब तक डिसाइड नहीं कर पाए। और भी कई केसेस थे इसलिए फॉलो नहीं कर पाए सर। मम्मी पापा को घर भेज दिया और अब खुद बिजी हो गए, मैं तंग आ गई।
प्रिया यहाँ। अरे आओ भी ना। अच्छा बताओ तुम्हारी सुंदरता का राज क्या है? ये मलाईदार गाल, रसीले होंठ, हिरनी जैसी आंखें, तोते जैसी नाक। ए थीरू, तुम तो मेरे लिए कुछ लाने वाले थे ना, कहाँ है? हाँ? यहाँ मैं रोमांस के सागर में गोते लगा रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारी गिफ्ट की परी। मैं नहीं चाहिए, सॉरी। दरवाजा खोलिए सर, हाईवे पर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। बॉडीज और हैं सर जानवरों।